देखिए दोस्तों, ये सवाल पहला सवाल है 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 72 रुपये का अंतर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। और दूसरे सवाल में क्या है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया है कितना, 1500, और उसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले पहला सवाल, तो पहले सवाल में क्या है दोस्तों, तो हमको सी आई हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, किसी भी सवाल का हम सी आई कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मूलधन, और कितना भी साल जितना दिया रहा है उतना हम लाइन खींचते हैं। तो कितना साल, पहले वाले सवाल में कितना साल है, 2 साल, तो 2 लाइन हम खींचे। और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, पहले साल मूलधन पर लगा ब्याज ये, दूसरे साल मूलधन पर लगा ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यही ना होता है। और ये किस कितना लगता है ब्याज, तो मूलधन पर कितना ब्याज लगता है रेट के अनुसार, जितना रेट होता है उतना ये आता है। जैसे मान लीजिए रेट क्या है दोस्तों, रेट क्या है, 1%, रेट 1% है दोस्तों। तो मूलधन का पी का 1% हम जो भी निकालेंगे, पी का 1% जो भी निकालेंगे वो ये होगा दोस्तों, यानी कि ये क्या होगा, पी का 1% होगा ना, और ये भी तो वही होगा यदि रेट हम 1% माने तो, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका 1% होगा, अगर रेट 1% है। तो ऐसे ही ना हम सी आई निकालते हैं दोस्तों, आप मेरा पुराना वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सी आई के प्लेलिस्ट में। तो इसका 1% ये कैसे निकलेगा दोस्तों, पी एक्स बटा में 100 का 1% ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालते हैं दोस्तों। तो अब देखिए क्या दिया है, ब्याज में 72 का अंतर दिया है, यानी कि ये दोनों में एस आई और सी आई में कितना को अंतर कौन होता है, यही ना अंतर होता है दोस्तों। ये तो सी एस आई हो गया, और ये तीनों क्या हुआ है, तीनों क्या हुआ सी आई, और दोनों क्या हुआ, ये दोनों एस आई, तो अंतर क्या होता है, यही ना अंतर होता है। तो अंतर हम क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, पी इंटू एक्स स्क्वायर बटा में 100 और 2 0 बराबर कितना है अंतर, 72। ये इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मूलधन कितना है, 5,000 है, ठीक है, मूलधन तो 5,000 है, और रेट ही हमको निकालना है, और ये कितना हुआ, 10,000 बराबर है कितने के, 72 के। तो ये 2 बार में कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 144, ठीक है दोस्तों। इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12, 12% रेट आ जाएगा दोस्तों, रेट क्या हो जाएगा, 12%, ठीक है। ये ऐसे ही निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, दोस्तों दूसरे सवाल में 3 साल दिया है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे दिया है। तो देखिए पहले ये क्या होता है, ये मूलधन, और 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, 3 लाइन खींचते हैं, और मान लीजिए रेट 1% है, तो ये क्या हुआ, पहले साल मूलधन पर लगा ब्याज, दूसरे साल मूलधन पर लगा ब्याज, तीसरे साल मूलधन पर लगा ब्याज, और दूसरे साल क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और तीसरे साल क्या होता है, बाकी सब ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है दोस्तों। तो यही है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, तो इसका 1% हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, यही आएगा। अब देखिए, अब इसका अगर 1% हम निकालेंगे तो ये आएगा, अगर इसका 1% हम निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इतना आएगा। तो अब देखिए, देखिए दोस्तों, एस आई और सी आई में अंतर क्या होगा, ये तीनों तो एस आई भी होगा, और अंतर क्या होगा एस आई और सी आई में, 1, 2, 3, 4, यही चारों में जितना होगा वही ना अंतर होगा। तो ये कितना होगा, ये इसी पर लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसी के बराबर पी एक्स स्क्वायर बटा में, ये भी उतना ही होगा, ये भी उसी पर लगा है, तो ये भी कितना होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका पी एक्स क्यूब बटा में, इतना हो जाएगा दोस्तों।
तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा, इन तीनों को चारों को जोड़ना पड़ेगा, तो इन तीनों को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, पी एक्स स्क्वायर बटा में 10,000, 3 से गुणा कर दिए दोस्तों, और ठीक है, और प्लस में कर दिए क्या हम पी एक्स क्यू बटा में, अब यही बराबर है किसके, 1500। लेकिन दोस्तों अब इसको हल करने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि ये पावर 3 आ गया है, तो इसको हल करने में बहुत दिक्कत होगा, तो ऐसे तो हम इसको बना नहीं सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको सब, इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम ऑप्शन से जाएं, ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शन से जाएं, तो देखिए हम ऑप्शन से जाते हैं दोस्तों। अगर हम पहला ऑप्शन यानी कि 12.5% लें, तो देखिए 12.5% बराबर क्या होगा, 1/8, ठीक है, तो मूलधन कितना है, 30,720, इसका 1/8 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा 3840, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 3840, ठीक है दोस्तों। अब इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चार सौ अस्सी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 480, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 480 का 1/8 60 होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर तीनों को अब हम जोड़ते हैं और सेटिस्फाई अगर हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि 12.5% ही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों ये 480 कितनी बार आया है दोस्तों, 1, 2, 3 बार ना, तो 3 में इसे गुणा कर देते हैं, 1440, और प्लस में 60 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1500, और हमारा एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई का अंतर भी दिया है कितना, 1500, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 12.5%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर ए नहीं होता दोस्तों तो हम डी नंबर देखते, 16 सही 2/3% है, वो कितना होता है दोस्तों, 16 सही 2/3%, 1/6, और ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो देखने से ही लग रहा है कि वो होगा नहीं क्योंकि वो बड़ा बड़ा हो जा रहा है भिन्न, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये आसानी से बनेगा दूसरा नंबर सवाल। इस पर इन दोनों सवालों में दोस्तों आपको कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।